कहाँ है तेरा पति साहब? अरे बाहर आना, वहाँ क्या खड़ा? चल बाहर जल्दी, बैंक वाले साहब आए। नमस्ते साहब। सुनो, फसल उगाने के नाम पर तुमने मेरे बैंक से कर्ज लिया था, इस बात को 10 साल हो गए। अरे जानवरों का भी ईमान होता है, अपने पालने वालों को नहीं काटते, तुम तो जानवरों से भी बदतर हो। देखो एक हफ्ते का समय देता हूँ, अगर सारा कर्ज चुका दिया तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी जितनी भी जमीन जायदाद है सब कुछ जब्त कर लेंगे हम। क्या बोल रहा है? देगा बोला? ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। गोड़ा जी मुंह पर क्यों थूक रहे हैं? hey! थूका तो क्या गलत किया, तू मेरा ही दिया खा रहा है ना, बताऊं तुझे? गोड़ा साहब सब लोग देख रहे हैं, हमारी कुछ तो इज्जत रखिए, आपका दिया हुआ पैसा कहीं नहीं जाएगा, हम बहुत जल्दी दे देंगे। हाँ तो है क्या तुम्हारे पास? रहता तो मैं ऐसी बात करता क्या कभी? कर्जा लेते वक्त तो मियाँ बीवी मेरे पास आके क्या बोले थे? गोड़ा जी एक तो बारिश नहीं हो रही, गाँव के हालात तो आप भी जानते ही है। तुमने बारिश के भरोसे बैंक से कर्जा लिया था क्या? वो तुम्हें एक हफ्ते का टाइम दे रहा है, लेकिन मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, उसके अंदर तुम्हें मेरा कर्जा चुकाना होगा, नहीं तो तुम्हारा घर सामान खेत सब बैंक वाला ले जाएगा और मैं तुम्हारी बीवी को उठा कर ले जाऊंगा। मेरा पैसा चुका कर अपनी बीवी को छुड़ा कर ले जाना, और ध्यान से सुन लो, मेरा पूरा पैसा ब्याज के साथ चुकाना पड़ेगा। कैसे आदमी हो आप? औरत के बारे में कितना गलत सोचते हो, इसीलिए मेरी बहन आपको छोड़कर चली गई है। उधर क्या देख रहे हो, इधर देखो, वो एक गरीब का घर है। थू, तुम्हारे साथ रहना ही गलत है। तुम्हारे साथ क्या, मैं तो इस गांव में नहीं रहूंगा। चला रे, कैसा सोचा कैसा निकला? जा बे जा, तेरे जैसे तो इस गांव में मेरे हजारों साले पड़े हैं। सर नमस्ते। बैठिए बोलिए। हम रामपुर से आए हैं सर, अपनी जमीनों पर एग्रीकल्चर लोन चाहिए सर। देखिए उस गांव के लोग पिछले 10 सालों से लोन चुकाए बिना आत्महत्या कर रहे हैं, आप जा सकते हैं, हम आपकी जमीन पर लोन नहीं दे सकते। तो फिर किस पे लोन देंगे आप? व्हीकल हो, इंडस्ट्री हो, हाउस हो, गोल्ड हो, ऐसा कुछ हो तो बोलिए। शहर वालों को ना ना करते हुए भी आप हाउसिंग लोन देते हैं, मैरिज लोन देते हैं, व्हीकल लोन देते हैं, पर्सनल लोन देते हैं, हमेशा परेशान करते रहते हैं। क्या कभी किसानों को फोन करके आपको लोन चाहिए ऐसे पूछा है आपने? एक्चुअली लोन की जरूरत इन्हें ज्यादा है। हेलो, ये सब मामूली है, इसके अलावा कुछ हो तो बोलिए। हमारे बैंकों से लोग करोड़ों का लोन लेकर भाग जाते हैं और आराम से जीते हैं, उनको तो आप जैसे टच भी नहीं कर पाते। और किसान एक महीने का इंस्टॉलमेंट नहीं भरा तो उसके घर जाकर उसकी इज्जत उतारकर आत्महत्या करने पर मजबूर करते हैं, यही है आपके रूल्स? ठीक से बात करो, अगर वो लोन नहीं चुकाएगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, समझे? नहर में पानी कब छोड़ेंगे आप लोग? डैम में जब आएगा तब छोड़ेंगे। और पानी को हमारे जिले तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? मैं कैसे बता सकता हूँ, साल में 2 महीना सूखा पड़ा रहता है, मिट्टी कचरा सब भरा हुआ रहता है, तो फिर पानी कहाँ जाएगा? क्लीन करवाओ, वो बहुत बड़ा प्रोसेस है भाई साहब, टेंडर निकालना पड़ेगा, बिल पास करवाना पड़ेगा। अरे शहर में रोड्स रहते हैं फिर भी पैसों की लालच में ट्रैफिक जाम के नाम पर फ्लाईओवर्स के लिए अंडरपासेस के लिए टेंडर पास करवाते हैं, वही अगर किसान पानी मांगे तो आसमान की ओर देखते हो, आधी रात को दूसरे स्टेट के लिए पानी छोड़ देते हैं। हमारे गांव के लिए बिजली चाहिए सर। उन लोगों को जितनी जरूरत है उतना दे रहे हैं। शहरों में 24 घंटे लाइट रहती है, गांव में 12 घंटे क्यों? उसमें से भी 6 घंटे सिंगल फेस और 6 घंटे डबल फेस, वो भी रात के टाइम पे। वो सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो, जाके सरकार से पूछो। सही टाइम पर अगर बीज ना मिले तो किसानों को क्या होगा? भगवान ही मालिक। आपकी आंखों में आंसू? एक आदमी से तो लड़ सकते हैं लेकिन पूरे सिस्टम से? आई कांट बिलीव दिस, आप कल को नहीं मानते थे, लिव टुडे एंजॉय टुडे कहते थे, जब से आप कल में मानने लगे हैं आपके अंदर मुझे एक फायर दिखा है और आज उस फायर को ये आंसू ठंडा कर रहे हैं। आपने हार मान ली है या फिर कल नहीं है सोच रहे हैं? देखिए भूखा रहने वाला सिर्फ खाना मांगता है, जिसका पेट भरा हो वो सब मांगता है, जो भीख नहीं मांगते हमें उनकी भी मदद करनी चाहिए, जिसका जो हक है उसे मिलना ही चाहिए, ऐसा आपके पिताजी कहते थे। विल फाइट। एक बात बताओ, तुम किसी का भी दिल जीत सकती हो। सर यहाँ वही लोग ऐसे भाग क्यों रहे हैं? गौड़ा के टॉर्चर की वजह से गोटेश्वर उसकी बीवी ने सुसाइड कर लिया है और उनकी डेड बॉडी गौड़ा अपने घर पर रखकर बैठा हुआ है। चलो चल के देखते हैं। पिताजी, माँ,
लाश पर अपना गुस्सा क्यों दिखा? तो क्या मेरा पैसा फिर कौन चुकाएगा? वो लोग तो चले गए, पैसा कौन देगा? ए, मुझसे कर्जा लेकर अपने शौक पूरे किए मर गया तो मेरा कर्जा कौन चुकाएगा? ओ, तुम भी आ गए। पूरे गांव को भड़काने वाला मर्द आया है, इससे कहो मेरा कर्जा चुका दे। अगर ये नहीं हुआ ना तो इस बच्ची को मुझे सौंप दो। जब ये जवान होगी तब मैं इससे शादी करूंगा। सीधे बात करता हूं तो धोखा मत खा लेना। बाहर जो दिखता है और अंदर जो रहता है उनमें बहुत फर्क होता है। कितने लोगों की मौत की वजह बन गए हो तुम में इंसानियत नहीं है क्या? ये आखिरी बार है। इस गांव में अब से किसी की भी लाश दिखी तो तू वो आखिरी लाश देखेगा। लाश को रखकर क्या करेंगे? दिन बीत रहा है, अब जल्दी से कार्यक्रम पूरा करो। उसके बाद? बाद में क्या, इनका अंतिम संस्कार करने के बाद किसी और की आत्महत्या का इंतजार करना होगा। और क्या कर सकते हैं? ये मौत, इसके पीछे ये दर्द, इनकी कीमत मिलनी चाहिए। क्यों? मिलनी चाहिए ना? अभी तक कितने किसान मरे हैं तुम्हें पता है क्या? मंडी अभी में 92, बेलगांव में 74, हाबेरी में 93, मैसूर में 62, हासना में 67, रायचूर में 96, विजयपुरा में 84, कोलारा में 90, वल्लारी में 153, चित्रदुर्ग में 69, सब मिला के हुए 978। बाकी के जिले में एक एक पकड़ो तो 1000 के ऊपर रहेंगे। उससे क्या होगा? सरकार ने 323 केसेस को तो मान लिया और 228 केसेस रिजेक्ट कर दी गई। 327 केसेस स्टडी के लिए रोक रखी हैं। बस इतना ही मुआवजा मिलेगा? देखना, कुछ नहीं होगा। अब से होगा। किसान जो खेती करता है वो सिटी तक पहुंचता है तो उसकी मौत की कीमत भी सिटी तक पहुंचनी चाहिए। क्या ये हो सकता है? गांव में पैदा होकर गांव में मरेगा तो ऐसे में कैसे मिलेगी किसान की मौत की कीमत? लेकिन मिलनी चाहिए। गाड़ी रुको, सुबह सुबह ये लोग क्या कर रहे हैं?
ए, इधर आओ। ये लाश किसकी है? किसान की। तो गांव में लेके जाओ ना, यहाँ पर क्यों लाए? समाधि बनाने के लिए। यहाँ पर समाधि? पागल हो गए हो क्या तुम? यहाँ समाधि क्यों नहीं बना सकते? अभी बनवाता हूँ मैं तेरी समाधि। क्या कहा? फ्रीडम पार्क में समाधि बना रहे हैं? कौन से गांव से आए हैं? कितने